नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है एक खबर की। कांग्रेस पार्टी को 24 साल बाद गैर गांधी अध्यक्ष मिला है। अध्यक्ष चुनाव में पार्टी के अध्यक्ष चुने गए मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस की कमान संभाली है। पार्टी के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के प्रमुख मधुसूदन मिस्त्री ने खड़गे को निर्वाचन प्रमाण पत्र सौंपा। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, आज मेरे लिए बहुत भावुक क्षण है। आज एक सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुनकर ये सम्मान देने के लिए आप सबका हार्दिक आभार और धन्यवाद देता हूँ। कांग्रेस मुख्यालय में हुए कार्यक्रम में सोनिया गांधी, राहुल गांधी के साथ कई दिग्गज मौजूद रहे। बता दें कि आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने शपथ ग्रहण किया। इस दौरान सोनिया गांधी, राहुल गांधी के साथ कई दिग्गज नेता वहां पर उनके साथ मौजूद रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने बयान में कहा कि ये मेरे लिए भावुक क्षण है और किसी कार्यकर्ता को इस तरह सम्मान देना उनके लिए काफी भावुक क्षण बताया उन्होंने। बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे नए राष्ट्रीय कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज अपना शपथ ग्रहण किया। खड़गे ने कहा, आज मेरे लिए बहुत भावुक क्षण है। आज एक सम्मान कार्यकर्ता को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुनकर ये सम्मान देने के लिए मैं आप सबको हार्दिक धन्यवाद देता हूं। और इस खबर पे अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विभांशु हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विभांशु, 24 साल बाद गैर गांधी परिवार से राष्ट्रीय अध्यक्ष मिला कांग्रेस को, आज जिनका शपथ ग्रहण हुआ मल्लिकार्जुन खड़गे का। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अपना पदभार संभाल लिए हैं, कार्यभार संभाल लिए हैं। और अगर बात की जाए वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समाधि पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दिए और उन्होंने कहा कि जो गांधी जी के वसूल थे उस पर चलकर हम आगे की लड़ाई लड़ेंगे। और साथ ही उन्होंने गांधी परिवार के 3 पीढ़ियों पर पुष्प चढ़ाकर और उनको भी याद किया। सबसे पहले वो गांधी जी की प्रतिमा में जाते हैं। गांधी जी की जो अगर देखे समाधि पे जाते हैं उसके ठीक बाद देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समाधि पे जाते हैं, वहां भी कुछ कब करते हैं। उसके ठीक बाद वो इंदिरा गांधी कांग्रेस की अगर देखे तो प्रधानमंत्री जी उनके समाधि पे जाते हैं। उसके ठीक बाद तीसरी पीढ़ी यानी कि राजीव गांधी के समाधि पर जाते हैं, वहां भी कुछ पब पिक करते हैं। साथ ही साथ वो देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और साथ ही साथ कांग्रेस के पहले दलित जीवन राम के भी समाधि पर जाकर पुष्प अर्पित करते हुए वो ऑल इंडिया कांग्रेस के मुख्यालय पहुंचते हैं, जहां पूरा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। अगर बात किया जाए तो कांग्रेस शासित प्रदेश यानी कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री वहां मौजूद है। साथ ही आपको बताया कि झारखंड और कुछ और जगहों पर जहाँ कांग्रेस की कोलिशन की गवर्नमेंट चल रही है यानी गठबंधन की सरकार चल रही है, तो वहाँ की नेताओं की मौजूदगी में आज अपने कार्यभार को संभाले। अगर बात की जाए तो 30 बार चुनाव हुआ है और साथ ही अगर देखें तो 24 साल के इतिहास में पहली मरतबा कोई गैर कांग्रेस अध्यक्ष पद का जिम्मा मिला है। साथ ही आपको बताया कि दूसरी दफा है जब दलित चेहरे को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया है। सबसे पहले जगजीवन राम को कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे को, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए चुनौती होगा अध्यक्ष पद को संभालना, क्योंकि अगर देखे तो हाल फिलहाल के सालों में लगातार कांग्रेस पार्टी को हार मिल रही है और उनकी तरफ से कहा गया है कि कहीं ना कहीं एक कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलना, उन्होंने कहा कि एक कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलने से लिए मेरे लिए एक भावुक का क्षण है और मैं पूरे सक्रियता के साथ जो मुझे जो मेरी पद मिला है और जो मेरी क्षमता है उसको पूरी तरह से लगाते हुए कांग्रेस पार्टी को एक और नई शुरुआत करेंगे। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस से मुक्त जो भारत का नारा दिया करता था विपक्ष, उसको लेकर उन्होंने कहा कि ये नया भारत जो है वो उनका कहना है, मगर पुराना भारत कांग्रेस का था, उसी पे काम करेगी और कांग्रेस कभी भी भारत से मुक्त नहीं हो सकती है। उनका साफ तौर से कहीं ना कहीं देखे नंदनी तो आज के जब वो कार्यभार संभाल रहे थे तो उन्होंने तमाम नेताओं को याद किया, चाहे सुभाष चंद्र बोस जो कि पहली बार
कांग्रेस के 1939 में अध्यक्ष पद का चुनाव जीते थे। साथ ही उन्होंने तमाम नैतिक मूल्यों पर बात करते हुए समाज के हर एक वर्ग की भलाई और नेतृत्व की बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का हम जोड़कर और उस मुकाम पर ले जाने का काम करेंगे जो पहले हुआ करता था। विभांशु, अभी आपने कहा कि उन्होंने कहा अपने बयान में कि कांग्रेस कभी भारत मुक्त कांग्रेस नहीं होगा, तो क्या लगता है किन किन चुनौतियों का सामना उनको करना पड़ेगा? अभी दो जगह विधानसभा का चुनाव है, हिमाचल और गुजरात में देखा जाए, इसके बाद फिर 2024 का। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए नंदनी तो कहीं ना कहीं खड़गे मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए चुनौतियां बड़ी होंगी, क्योंकि अगर देखें तो हाल फिलहाल में गुजरात में चुनाव है, हिमाचल में चुनाव है, साथ ही साथ गुजरात में चुनाव है। दो राज्यों के विधानसभा चुनाव के संपन्न होने के बाद कहीं ना कहीं देखें तो राजस्थान और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं तमाम बिहार, ऐसे तमाम राज्यों में चुनाव है। तो चुनौती होगा कि 2023 के अंदर में जो कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है उसमें पार्टी को बेहतर स्थान दिलाना। साथ ही साथ कहीं ना कहीं अगर देखें तो दो राज्यों में चुनाव और लोकसभा के चुनाव में उन्हें पार्टी को बेहतर रिजल्ट देना और सत्ता में वापस दिलाने की चुनौती होगी। और साथ ही उन्होंने अपने संबोधन में कहा मयूरी कि भारत जोड़ो यात्रा से देश के अंदर में एक नई ऊर्जा आ रही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इसका जनता का भारी समर्थन मिल रहा है। तो उनका कहीं ना कहीं कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा से हम भारत को जोड़ेंगे और उन्हीं मूल्यों पर काम करेंगे। वही आपको बताएं कि अगर देखें तो 2023 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र समेत 10 राज्यों में चुनाव होना है। तो कहीं ना कहीं चुनौती का विषय होगा कि जो उनका कार्यकाल है उसके संपन्न होने के पहले, अभी शुरू हुई है और लगभग 5 सालों का जो कार्यकाल है उनका, इस समय कहीं ना कहीं जो अलग अलग राज्यों में चुनाव है उसमें पार्टी को सत्ता में वापस लाना, और साथ ही अगर देखा जाए तो कांग्रेस की इस वक्त अगर देखे तो भारत की राजनीति में सबसे बुरा असर चल रहा है, क्योंकि दो राज्यों में उसकी सरकार है और कहीं ना कहीं जो सांसदों की संख्या है वो कम है। तो फिर वापस उस विदम पे लाना, और जब आज मल्लिकार्जुन खड़गे अपने पदभार को, कार्यभार को संभाल रहे थे उस वक्त कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना और उन्हें शपथ दिलाया, उस वक्त उन्होंने कहा कहीं ना कहीं मैं चिंता से मुक्त हो चुकी हूं और अब कांग्रेस का मार्गदर्शक मंडल बन के काम करूंगी, कांग्रेस के जो तमाम नीतियां हैं उसको नेताओं को जोड़ने के लिए काम करूंगी। वही आपको बताएं कि अगर देखा जाए तो ऐसे 137 साल के इतिहास में 6 बार अध्यक्ष का चुनाव हुआ है और 6ठी बार मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के रूप में उनके शशि थरूर रहे। लगभग दोनों नेताओं का कहना था चुनाव के वक्त कि ये कांग्रेस का भीतर का चुनाव है, कोई हारेगा नहीं, जो जीतेगा उससे कांग्रेस की जीत है। अगर देखा जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे 1969 में राजनीतिक अपनी शुरुआत करते हैं, इसके बाद अगर देखा जाए तो 1972 से अब 2008 तक वो 9 बार विधायक रहे। 2009 से 2010 के बीच में अगर देखें तो उन्हें 2 बार लोकसभा सांसद रहे। साथ ही अगर देखा जाए तो 2009 से 2014 के बीच जब कांग्रेस की सरकार थी तो वो केंद्र में मंत्री रहे, वही 2014 से 2019 के बीच लोकसभा में वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन यानी कि नेता प्रतिपक्ष रहे, और 2021 से 2022 के बीच राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे, 2022-20 से वो अब तक राज्यसभा के सांसद है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक तजुर्बे भरा नेता अब कांग्रेस का अध्यक्ष पद का जिम्मा संभाल रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का। तो देखने वाली बात ये होगी इससे क्या बदलाव आते हैं। मगर एक मामला और ये सामने आ रहा है कि जो कांग्रेस के ऊपर परिवार राज के नारे लगते थे कि परिवार राजी पार्टी है, उससे कहीं ना कहीं अब कांग्रेस को दरकिनार होना पड़ेगा, क्योंकि अब कांग्रेस का जो अध्यक्ष है वो 24 साल के इतिहास में गैर कांग्रेसी है। जी विभांशु, देखा जाए तो आपने बताया कि वो दलित परिवार के दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, तो क्या लगता है कि दलितों को साधने में उनका प्रयास रहेगा और किस तरीके से एक नया सफर की चुनौतीपूर्ण रहेगी ये? जी, अगर राजनीतिक पंडितों की बात करें तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे एक दलित चेहरे के तौर पर अपना पद संभाले हैं। साथ ही अगर हाल फिलहाल की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के तौर पर, उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर बिजलाल खावरी जो कि दलित परिवार से भी आते हैं, तो कहीं ना कहीं केंद्र और देश के सबसे बड़े सूबे में दलित अध्यक्ष देकर पूरे दलित वोट बैंक पर कहीं ना कहीं टेढ़मारी की तैयारी में कांग्रेस है।
वो आने वाले चुनाव में ये सामने होगा कि कांग्रेस इसमें कितना सफल हुई। मगर बात करें तो कहीं ना कहीं राजनीतिक पंडितों के हिसाब से तो इससे कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक में बढ़ोतरी होगी। और देखा जाए अगर अगर प्राचीन समय में पुराने समय में तो जो अगर देश के आजादी के 75 साल के इतिहास में देखते कांग्रेस पार्टी को अगर देखे तो तीन वर्गों का वोट मिला करता था, दलित, ब्राह्मण और अल्पसंख्यक। तो इन तीनों को एक बार फिर अपने खेमे में खींचने के प्रयास जो कांग्रेस पार्टी कर रही है उसमें आने वाले चुनाव में सामने होगा। मगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज मल्लिकार्जुन खड़गे भावुक होकर और अध्यक्ष पद का जिम्मा लिए और उनका साफ तौर पे कहना था कि हम जो हमारे मार्गदर्शक मंडल के नेता हैं, साथ ही साथ जो हमारे पूर्व में नेता रहे हैं, जो देश के आजादी के बाद से देश के विकास के लिए काम किए हैं, उनको दिए गए वसूलों पर, उनके दिए गए सिद्धांतों पर हम काम कर और फिर से कांग्रेस को एक बार विभांशु ले जाएंगे। जी विभांशु, मल्लिकार्जुन खड़गे ने पद संभालते एक बड़ा बयान दिया कि उनके अब जो आगे कांग्रेस में जितने भी लोग होंगे 50% पद 50 साल की कम उम्र के लोगों को मिलेगा। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखे तो जब मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष पद का जिम्मा संभालते उसके ठीक बाद उनकी तरफ से कहा जाता है कि जो पार्टी के अंदर में जगह है, जो पार्टी के अंदर में पद है, उसमें 50% 50 साल से नीचे के लोगों को 50% जगहों पर रखा जाएगा। यानी कि साफ तौर से उनका कहना है कि युवा चेहरों को और कहीं ना कहीं देखे तो जो बिलो 50 एज का फैक्टर है उससे साफ तौर से कहीं ना कहीं जब प्रधानमंत्री मोदी 2013 और 2014 में अपने कैंपेन को किया करते थे और डिजिटल रैलियों को किया करते थे उस वक्त तो कहीं ना कहीं अगर देखे तो इस देश का युवा ही था जो भाजपा को शासन में ले आया। तो साफ तौर से कांग्रेस भी इस गेम प्लान से काम करके सत्ता माने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उसी क्रम में अब मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से जो कहा गया है उससे देखने वाली बात ये होती है कि क्या बदलाव आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच